कृष्णात्मा विविध विषयान् प्राश्वभोगान् सविष्टान् पश्चाच्छन्नान् सविभावान् ज्योतिषाश्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि स्वात्मनिस्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगण पार्वसौ नस्तुरीयः। चतुर्थ सुना में अलग शांति उसके लिखने के उपयोगी कि जो सृष्टि होना संभव नहीं है जो प्रतिज्ञा की उसको दृष्टांत के माध्यम से समझाएंगे और सृष्टि को मानने वाले वादियों के सिद्धांत में क्या कमी है उसको भी थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे कि इसमें ये कमी होना संभव नहीं है। इसलिए अलग शांति प्रकरण को शुरू किया गया पहले यहाँ पे आकर के जो है जिससे एक उपदेश प्राप्त हुआ साक्षात नारायण से बद्रीनारायण बैठ करके तपस्या के माध्यम से उपदेश को प्राप्त किए और उसको भी नमस्कार भगवान नारायण को नमस्कार करते हैं परंतु नारायण को नमस्कार करने के माध्यम से वस्तु तत्व को भी प्रतिपादन कर दिया कि ये जो ज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं ज्ञेयम जब तक प्रवक्षण बोले ना हमें कृष्ण ज्ञेय जो वस्तु उसके बताऊंगा तो तन्न सत नशतु चतुर् सत असत रूप से निरूपण नहीं किया जा सकते। ज्ञेय ज्ञान और ज्ञाता ये तीन कोई भिन्न वस्तु नहीं है। अज्ञान दशा में हम बोलते हैं हम भगवान को जानेंगे आत्मा को जानेंगे है ना तो हम अपने भिन्न में अज्ञान दशा में तो वो ज्ञान हो गया और जानने वाला मैं हो गया। अब मैं सोचता हूँ कि अपने बुद्धि ज्ञान के द्वारा हम उसको जानेंगे किंतु भगवान बुद्धि की विषय भी नहीं बनता आत्मा। इसलिए क्या होता है अंतिम में जब शुरू तो ऐसे करते हैं त्रिकुटी भेद को लेकर के बाद में देखते हैं वो जानने वाला स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है फलत इसको जानने के लिए उसी को जानना चाहता था तो ज्ञान सपने को जान लिया फिर जानने जो कुछ सही नहीं आता था तो इस प्रकार से जो है वस्तु तत्व को प्रतिपादन भी किया और नारायण को नमस्कार क्योंकि अद्वैत तो परंपरा में नमस्कार अद्वैत रूप में स्मरण करना ही सबसे अच्छा नमस्कार है सबसे अच्छा नमस्कार। इसके बाद जिस विषय को यहाँ पे ग्रंथकार ने प्रतिपादन किया उस विषय को भी नमस्कार करते हैं क्योंकि उस विषय को प्राप्त करने से जीव आत्यंतिक दुख निवृत्ति निर्देशय अनंत में प्राप्त होता है जिसको जीव हरेक जीव ढूंढ रहे हैं। इसीलिए जीव साधक के अंदर रुचि उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर फिर उस उपदेश को भी उपदृष्टि और उपदेश दोनों को नमस्कार करने के बाद अब जो यहाँ पे बोला था कि उपसृष्टि होना संभव नहीं है वो तो ये हमारे सिद्धांत नहीं है ये वादियों की मतवादी सिद्ध करते हैं। एक चीज इसमें से और भी समझना है दो वादियों में विवाद हो रहा है तो विवादास्पद वस्तु को नहीं देखते हुए जो दोष जिसको लेकर के कोई विवाद नहीं कर रहा है समान भाव कॉमन फैक्टर क्या है उसमें वो मतलब अविरोध भाव को ग्रहण करने का कोशिश करें। एक बात ये बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि सच से उत्पत्ति होना संभव नहीं है एक बात ये क्या बोल रहे हैं असत से उत्पत्ति होना संभव नहीं है दोनों में कॉमन क्या है क्या बोला मैं सत से उत्पत्ति होना संभव नहीं है एक बार बोलता है कौन बोलते हैं न्याय वैशेषिक दर्शन शंकरवादियों को बोलते हैं कि विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति क्या होगा विद्यमान है सत की उत्पत्ति होना संभव नहीं है। अरे बोलते हैं जो वस्तु नहीं है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हो गई असत का उत्पत्ति होना संभव नहीं है तो ये जो दो सेंटेंस हमारे सामने आए इसमें कॉमन क्या है संभव नहीं है नहीं संभव नहीं उत्पत्ति होना संभव नहीं है यही तो दो बातें आपस में बोल रहे हैं ना तो उसमें कॉमन क्या है उत्पत्ति होना पहले ही तो हम बोलते हैं है ना ये जो है क्या प्रमाण अजातिमतय अनुमोदमहेमय अभिवादम निबोधत उन दोनों वादियों में अविवाद अविरोध भाग क्या है देखो उन दोनों वादियों में अविवाद अविरोध भाग क्या है वो एक बोलते हैं सत अथवा सत से उत्पत्ति होना संभव दूसरे बोलते हैं असत अथवा असत से उत्पत्ति होना संभव नहीं ठीक बोला तुमने मतलब उत्पत्ति होने कौन है उत्पत्ति होने बस इतना ही बोला विवाद नहीं वो दोनों वादियों के बाद विवाद करने वाले वादियों के बीच में आप जो क्या करना है आपको अविवाद भाग के हाँ वो देखो उसको ग्रहण करो
हो सकती है, बाकी तो विवाद भंग लेके क्या कहेंगे हम, है ना। इसलिए हम होते अभिवाद निबोध, ठीक है। ये जो कॉमन लेना फैक्टर को कॉमन लेना गणित ही भाग है, ये गणित में भी देखते हैं ना, तो जो है इतना हिस्सा कॉमन है, यानी कि एक घटना नहीं है, दोनों बात इसको लेकर के विवाद नहीं कर रहा है। हाँ, यानी कि उत्पत्ति होना संभव नहीं हमारे सीखना, तो अभिवाद निबोध था। अब जो है कल यहाँ तक हमने कहाँ तक पढ़ लिए थे, कल पाँच का लास्ट लाइन छोड़, हाँ पाँचवा श्लोक चल रहा था ना, तो पाँच का श्लोक पे सब मिल करके पढ़ेंगे। ख्याप्यमानमजाति अनुदामहे वयम् इस प्रकार से वो लोग जो ख्यापित करते हैं क्या बोलते हैं, सत्य अथवा सत का उत्पत्ति होना संभव नहीं है, अथवा दूसरे बाती बोलते असत्य अथवा सत का उत्पत्ति होना संभव नहीं है, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, हम लोग इसको अनुमोदन करते हैं। कितना भाग का अनुमोदन करते, बिल्कुल सही बोल रहे, उत्पत्ति होना संभव नहीं है, है ना। कैसे रहे तो अभिवाद, अभिवाद भाग को ग्रहण कर। तो इसको देखिए पांच नंबर में बोल रहे थे यहाँ पे कि भाष्यकार लिखे हैं, अतः तम, ये टिप्पणी भी नहीं पढ़े थे, अतः तम अभिवाद विवाद रहित परमर्थ दर्शनम अनुज्ञा दे। देखो भाष्यकार बोल रहे हैं ना, इसलिए जो विवाद रहित स्थान है, अतः तम उसको, उसको किसको, अभिवाद को, जहाँ पे विवाद नहीं हो रहा है उस स्थान को, मतलब विवाद रहित वो क्या है, परमार्थ दर्शन, वही पारमार्थिक है, वो सत्य, वो विवाद तो मिथ्या को लेकर के होता, सत्य को लेकर के विवाद नहीं होता, सत्य को लेकर के विवाद नहीं होता, मिथ्या को लेकर विवाद होता है। इसीलिए बोलते हैं विवाद रहित परमार्थ दर्शन अनुज्ञात, मतलब हम इसका अनुमोदन करते हैं, अस्माभी हम लोगों के द्वारा निबोध है, तो ये शिष्य इसको अच्छी तरह से समझ लो। देखो वेदांतिक आचार्य को कितना सुंदर निर्देश है, क्या निर्देश है, अभिवाद कहाँ पे, उसको ध्यान वहाँ पे, उस अभिवाद भाग को ग्रहण करो, किसी के साथ विवाद में फंसो ही नहीं, अभिवादम निबोध है। तो ये शिष्य वहाँ पे देखिए कि छः सात आठ तीन टिप्पणियाँ हैं, ठीक है ना। छह नंबर है, अतः अजाते अस्मत आदि इष्टत्वा, दोनों बातें क्या बोलते हैं, सृष्टि होना संभव नहीं है, असृष्टि होना संभव नहीं है, बस यही तो हमारे इष्ट है, अजाति अस्मत, अस्मत इष्टत्व, अजाते अस्मत, अस्मत इष्टत्व, अजाति हम लोगों का जन्म राहित तो हमारा अभिष्ट होने के कारण इतना हिस्से का अनुमोदन करते हैं, इतना हिस्से का अनुमोदन करते हैं। हमारा योग का क्या नाम था, अस्पर्श, स्पर्श योग है ना, तो यानी कि इसके साथ किसी का स्पर्श होना संभव ही नहीं है, तो जन्म का स्पर्श कहाँ से होगा। इस सात नंबर टिप्पणी होते अभिवादम स्पर्श योगम एव विशिष्यते न स्मारयति, है ना। ये जो अभिवाद भाग क्या है, जो स्पर्श योग जिसमें किसी के साथ कोई स्पर्श नहीं है, जिस प्रकार आत्मा ही अभिवादित स्थल है, अभिवादित स्थल है आत्मा, इसको लेकर किसी को भी सभी व्यक्ति मैं करके सभी व्यक्ति स्वीकार करते हैं। अब उस मैं हूँ इसको लेकर के भी किसी का विवाद नहीं है, परंतु मैं कितना हूँ क्या इसको लेकर के अलग अलग बातें को विवाद, कोई बोलता है मैं शरीर हूँ, कोई बोलता है मैं इंद्र हूँ, कोई बोलता है मैं मन हूँ, कोई बोलता है मैं बुद्धि हूँ, कोई बोलता है मैं असंभव हूँ, मैं भूख हूँ। अब इसमें जो है ये इसको उस जगह को लेकर के विवाद, तो अभिवाद, अभिवाद क्या है, स्पर्श योग में विशेष देना, ये स्पर्श योग को यहाँ पे विशेष रूप में, मतलब मुख्य रूप में ग्रहण कराना यहाँ का अभिप्राय। तम अभिवादम, वो जो अभिवाद, तम तो हो गया प्रणाम और विवाद हो गया, अभिवाद हो गया नाम, ठीक है ना। तम तत्पद का है, तो उस अभिवाद को, ये अभिवाद मतलब विशेष है, इसको मेरा किसको परामर्श कर रहे हैं, उस अभिवाद को, उस अभिवाद मतलब जिसको कोई स्पर्श नहीं कर सकता आत्मा, इसलिए बोलते हैं स्पर्श जो विशेष न स्मारे, उसको स्मरण कराते हैं भगवान भाष्यकार। विवाद रहित परमार्थ दर्शन, आठ नंबर टिप्पणी, परमार्थ दर्शन, परमार्थ देव स्वयं प्रभम, वो स्वयं प्रकाश है, वो किसी प्रकाश की अपेक्षा नहीं रखता, वो स्वयं प्रकाश। दूसरी बात क्या है, स्पर्श योग है ना, क्योंकि किसी के साथ स्पर्श होता ही नहीं है, यदि किसी के साथ स्पर्श होता है तो उसकी अपेक्षा से प्रकाशित होता, परंतु आत्मा जो है किसी की अपेक्षा से प्रकाशित नहीं होता, इसलिए होते हैं स्वयं प्रभम स्पर्श योगम इति अर्थ, इसका स्पर्श योग रूपे, इस प्रकार परमार्थ दर्शन ही स्पर्श योगी, परमार्थ दर्शन को अनुज्ञा, तो हम लोगों द्वारा उसको अनुमोदन किया जाता है, अस्माभि हे शिष्य निबोधत, हे शिष्य निबोधत, तुम लोग इसको अच्छी तरह से समझ लो, एक के लिए निबोध है, हे शिष्य निबोधत। अब यहाँ पे तो
पांच नंबर में प्रतिवादी भी सह विवाद अभय परितम अह, प्रतिवादियों के साथ हमारा कोई विवाद नहीं है। इसमें रिजल्ट निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष यही निकला कि अविवाद प्रतिवादी भी सह विवाद अभावे फलितम आह तरी प्रतिवाद। प्रतिवादियों के साथ विवाद की अभाव होने से निष्कर्ष का लाभ क्या हुआ, इसलिए बोलते हैं प्रतिवादी भी सह विवाद अभावे फलितम। यहाँ पर अभिवाद कहाँ कहा जाएगा, मूल का श्लोक का प्रतिबोध है अभिवादन निबोधक। फिर आगे बोलते अक्षराणी व्याख्या, श्लोक में आए हुए पदों को व्याख्या करते हैं भगवान भाष्कर। तही रिक्तादिना मतलब यहाँ पे तहिर एवं ख्याप्यमानानां अजाति एवं अस्तु इति अनुमोदमहे केवलम, उन वादियों के द्वारा उन्हें उन अलग अलग वादियों के द्वारा ख्यापित किया जा रहा है कि जन्म राहित हो गए तो सत्य जन्म होना संभव नहीं होगा, तो असत का जन्म होना तो असत का, ये जो ख्यापित हो रहा है कि अजाति एवं अस्तु, हाँ हाँ ठीक ही बोल रहे हो, ऐसे ही होना चाहिए। अभिवाद भाग को ग्रहण करके अस्तुति अनुमोदन है केवल, हम लोग केवल उनके सिद्धांत को अनुमोदन करते हैं। तुम भी बोल रहे हो जन्म होना संभव नहीं है, ये भी बोल रहे हो जन्म होना संभव नहीं है, ठीक है किसी को अवलंबन नहीं, अवलंबन छोड़ करके पारमार्थिक ही है जन्म होना सृष्टि होना संभव नहीं है। अद्वैत सार्थ न विवाद, हम उन लोगों के साथ हम विवाद नहीं करते, कैसे पक्ष प्रतिपक्ष ग्रहण है ना, तुम्हारा ये पक्ष है, तुम्हारा सद्वादी पक्ष है, असद्वादी पक्ष, इस पक्ष को लेकर के हम आपस में उनके साथ विवाद नहीं करते। पांच नंबर टिप्पणी कर पढ़ लिए थे अच्छा, फिर आगे देखिए ये यहाँ पे टीका में अद्वैतवादिनो द्वैतवादी भी विवाद अभावे वैधर्म दृष्टान्तम। अद्वैतवादियों का षष्ठी एक वचन, द्वैतवादी भी द्वैतवादियों के साथ कोई विवाद नहीं है, विवाद के अभाव में एक व्यतिरिक्त दृष्टान्त दे रहे हैं। व्यतिरिक्त दृष्टान्त दे रहे मतलब जहाँ पे विवाद है, जहाँ पे विवाद नहीं है तो एक ही जगह है अद्वैत सिद्धांत में, बाकी तो सब जगह विवाद ही है, इसलिए होते हैं व्यतिरिक्त वैधर्म दृष्टान्त मतलब व्यतिरिक्त दृष्टान्त। तो द्वैतवादिनो द्वैतवादी भी अद्वैतवादी का द्वैतवादियों के साथ विवाद अभावे, देखो अद्वैतवादी में सिंगुलर है एक एक ही है, और द्वैतवादी भी द्वैत को मानने वाले अनेक वादी हैं, इसलिए वो वचन प्रयोग अद्वैतवादियों का द्वैतवादियों के साथ विवाद अभावे, विवाद के अभाव में व्यतिरिक्त दृष्टान्त वैधर्म दृष्टान्त मतलब यथा ते अन्योन्यमिति अभिप्राय, जैसे वो आपस में पक्ष प्रतिपक्ष ग्रहण करके विवाद करते रहते हैं उसी प्रकार से हम उनके साथ विवाद नहीं करते हैं। यथा ते सेकेंड लाइन में भाष्य की ठीक है ना। अब जो चतुर्थ पाद मत अभिवादम निबोधत, चतुर्थ पाद है क्या इसमें श्लोक का अभिवादम निबोधत, तो उस चतुर्थ पाद की व्याख्या करते हैं। अतः तम अभिवादम, उस जो अभिवाद है जिस हमने पहले कहे गए विवाद रहित परमार्थ दर्शन, जो परमार्थ दर्शन होता है सत्य दृष्टि मतलब यथार्थ दृष्टि अनुज्ञातम अस्माभि, दोनों में जो कौन है उसी को हम जो है हम लोग के द्वारा वो अनुमोदन किया जाता है। निबोधत हे शिष्य निबोधत, इसको अच्छी तरह से समझ लो, कोई बात विवाद करते हैं उसमें देखो कि अभिवाद भाग क्या है, शिष्य बहुवचन है, शिष्य बहुवचन हे शिष्य बहुवचन है शिष्य का, उसमें देखना ये सीखो कि कौन सा जगह पे लेकर के विराद विरोध नहीं हो रहा, किस जगह पे विरोध उसको ग्रहण करना अगर समझ जाएंगे तो उसी से उनका भी जो है आपस की समस्या का समाधान भी हो जाता है, यदि आप उसका अभिवाद भाग को देख सकते हैं तो ठीक है भाई। यहाँ तक हो गया, आप देखिए आगे के बोल रहे हैं नंबर सिक्स के लिए, अजातस्य एव जन्मना अनर्थात् अनावस्थनाच, अजातस्य एव परमार्थ पदार्थस्य जन्म सद्वादिन असद्वादिनश्च सर्वे अपि स्वीकुर्वन्ति इति परपक्षम अनुवदति। जातस्य एव जन्मना, जो पैदा हुआ वस्तु विद्यमान है
जन्म के द्वारा क्या हो जाएगा, जन्म ने अनर्थक का तो जन्म से उसका क्या जाएगा, दोबारा जन्म कोई आवश्यकता ही नहीं है। और तब क्या हो जाएगा, अनावस्था, तब एक ही बार 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 अनावस्था कब तक कैसे करते रहोगे, कब तक अनर्थता की जो भाव है, अनर्थता की मतलब उपयोगिता नहीं है, उपयोगिता नहीं है उसका। जातस्य एव जन्मना विद्यमान वस्तु के फिर पैदा कर से आपका क्या लाभ होगा, है वो विद्यमान वस्तु। जातस्य एव जन्मना पैदा विद्यमान वस्तु का फिर जन्म करोगे तो क्या हो जाएगा, अनर्थक का तो उपयोगिता कोई नहीं, वो विद्यमान है। और अनवस्थान चले ऐसा करते रहोगे तो कहाँ जाकर रुकोगे, तुम कहाँ जाकर रुकोगे, रुकने का जगह नहीं मिलेगा, वैसे होते जाएंगे अनावस्थान। अच्छा, और दूसरी क्या, अजातस्य एव पदार्थस्य जन्म, जो जन्म रहित पदार्थ है उसका ही जन्म सद्वादिन असद्वादिनस्य, वो सद्वाद क्योंकि हमारे पास एक ही तत्व है, दो तत्व नहीं है, सदैव उसमें ब्रह्म ही हमारे मनुष्य कोई नहीं है, उसको कोई सदरूप में देखता है, शांत रूप निषेध में भी आया हुआ ऐसा, सदैव संवेदनाग्रासी असदैव संवेदनाग्रासी दोनों वाक्य आया हुआ छंद में, फिर बाद में कथन असद सज्जाते, असत्य सत्य की उत्पत्ति कैसे हो सकता है, अपने आप श्रुति बोलती है। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि अजातस्य एव पदार्थस्य, मतलब जो जन्म रहित पदार्थ है उसका ही, उसी का ही जन्म सत्वादी असत्वादी नश्य, सत्वादी असत्वादी दोनों तो उसी को लेकर लड़ते हैं, हमारे पास दो वस्तु नहीं है, एक ही वस्तु है, अजातो ह्यमृतो धर्म। अभी जो तीन श्लोक लगातार आ रहा है ये अद्वैत प्रकरण में आया हुआ था, 20, 21, 22 अद्वैत प्रकरण में 20, 21, 22 में ये तीनों श्लोक लगातार वहीं पे आया हुआ है, उसी के यहाँ पे उद्धृत करते हैं। इसलिए ये जो हम जो हमारे युक्तिगत जो अनुभव थी उसी को दोबारा दिखाने के लिए, उसको बस दृढ़ करने के लिए अद्वैत प्रकरण में आपका 20, 21, 22 को देखिए तीनों श्लोक आया हुआ है। मिला पेज जो वस्तु धर्म रहित है मतलब जन्म से रहित है, अजातस्य एव धर्मस्य है ना, जो वस्तु जन्म होना संभव नहीं है उसको जाति मिच्छन्ति वादिनः, कुछ लोग कुछ वादी उसको उत्पत्ति होना इच्छा करते हैं। मतलब ये बताओ जो जन्म रहित अमृत धर्म है वो मर्त्यतां कथं इष्यति, वो फिर मरणशील कैसे हो जाएगा, जो तो आपने प्रतिज्ञा किया कि ये अमरण धर्म वाला है, क्यों ये जन्म रहित है, फिर उसको जन्म मान कर उसको मरणशीलता कहाँ से लाओगे, क्योंकि जिसके जिसका जो स्वभाव उसको छोड़ता नहीं है। इसे बोलते अजातस्य एव धर्मस्य, कुछ उपनिषद व्याख्या लोग द्वैतवादी अजन्म आत्म तत्व की उत्पत्ति परमार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, हम भी आत्म तत्व की उत्पत्ति क्या होते हैं प्रातिभाषिक मतलब भ्रांति से उत्पत्ति हम मानते हैं, मतलब पारमार्थिक सृष्टि मानते हैं। इसलिए कुछ द्वैतवादी अजन्म आत्म तत्व की उत्पत्ति परमार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, अजातस्य एव धर्मस्य जाति विच्छन्ति वादिनः भाव जो जन्म नहीं थे अजातस्य एव धर्मस्य जाति मिच्छन्ति वादिनः, अजात ही अमृत धर्म कथम मर्त्यता मिष्यति है ना, जो जिसका अमृतमय धर्म है जन्म रहित होने के कारण जो जन्म मृत्यु से रहित है तो उस पर वो फिर मरणशीलता को कैसे प्राप्त कर जाएगा, कैसे प्राप्त कर सकता है। एक नंबर टिप्पणी मूल में ही दिखाई पड़ रहे हैं,
अजातस्य एव धर्मस्य स्वभावत एव जन्म रहितस्य अमृतस्य एव इति अर्थ है ना। स्वभाव से इट्स वेरी नेचर कि जन्म मृत्यु से रहित है ना। इसलिए बोलता स्वभाव होते पर जन्म रहित है। सफल तो क्या है, ये अमृत में इसका स्वभाव है, स्वरूप है, जन्म मृत्यु से रहित है। इस प्रकार की वस्तु को आपने पारमार्थिक जन्म मान करके फिर मरणशील आप कैसे बना सकते हैं। जब आप पहले प्रतिज्ञा करते हैं कि अमृत में धर्म वाला है, फिर उसको पारमार्थिक जन्म मान करके मरणशील हो जाएगी, कैसे कह सकते हैं आप? ये कहना युक्ति संगत नहीं है, ये नहीं हो सकता। इसलिए बोलते हैं स्वभावत एव जन्म रहितस्य अमृतस्य एव इति अर्थ। जो अमृत में है उसको कैसे आप जन्म कह सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो है टीका कर देखिए, जो भाष्य एक लाइन और टीका पढ़ना पड़ेगा, मतलब भाष्य को उपखात हो जाएगा। इसको तो पढ़ लिया, जातस्य एव जन्म न अनर्थस्य अनवस्थन च अजातस्य एव पदार्थस्य जन्म सद्वादिन असद्वादिन सर्वे अपि स्वीकुर्वन्ति। जन्म रहित तत्व के कोई जन्म होना संभव नहीं, कोई होना संभव। इस प्रकार से पक्ष प्रतिपक्ष बना करके वो लोग जो है आपस में विवाद करते रहते। तत्र शिष्ट अभिष्ट दोषम प्रदर्श्य अभ्युजानाति। तत्र शिष्ट अभिष्ट दोषम, मतलब शिष्ट पुरुष में इसमें जो दोष दिखा दिया उसी को जो है शिष्ट अभिष्ट दोषम, शिष्ट पुरुष के द्वारा अभिष्ट जो दोष है उसको प्रदर्श्य दिखलाने के द्वारा प्रदर्श अभ्युजानाति, मतलब सृष्टि होना संभव नहीं है उसको यहाँ पे कहते। देखो 9 नंबर और 10 नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रहा है। तत्र अजात जन्मनि इति अर्थ, ठीक है ना। पहले प्रतिज्ञा क्या, जन्म रहित वो अमृत धर्म वाला है। जब आप अमृत धर्म वाला प्रतिज्ञा करते हैं फिर उसका जन्म कैसे मानते हैं। इसलिए बोलते हैं अजातस्य जन्मनि, अजात की तत्र में कौन सा विभक्ति है, सप्तमी। अजातस्य जन्मनि सप्तमी, अजात की जन्म के विषय में इति अर्थ। शिष्ट अभिष्ट दोषम प्रदर्श्य, यहाँ पे 10 नंबर अभ्युजानाति तम एव दोषम अनुमोदति इति अर्थ है ना। उसी दोष को क्या दोष है, व्याघात दोष है आपके सिद्धांत में, सिद्धांत में व्याघात दोष है। क्या व्याघात दोष है, आपने कहा कि तत्व जन्म रहित है फिर बाद में क्या उसी से जन्म माना। सांख्यवाद भी क्या बोलते हैं, प्रकृति जन्म रहित है, ठीक है ना। तो फिर प्रकृति से जन्म कैसे होते हैं, प्रकृति जन्म मतलब उसमें परिणाम कैसे हो सकता है। ये जो आपका व्याघात दोष है आपके सिद्धांत, इसको जो है यह बोलता अभ्यनुयता में दोषम अनुमोदन, उस दोष को अनुमोदन करते इति अर्थ। ये बात ही उसका दोष देखते हैं, ये बात इसका अपना दोष नहीं देखता हूँ। वो पिता वेदांति बता देता है कि देखो दोनों ही यही बोल रहे हैं कि जन्म होना संभव नहीं, तो लड़के उड़े जन्म होना संभव नहीं, यही तो हम बोल रहे हैं। अच्छा, तो हमारे पास तो एक ही तत्व चाहे सत मानो चाहे उसी को जो शब्द बोला वहाँ। अच्छा, फिर हम बोलते अजातो ही अमृत और धर्म मर्तता कथम इष्यति। जो जन्म रहित अमृतमय है वो मरणशीलता को कैसे प्राप्त कर सकते, धर्म मरण कैसे हो सकता है ना। इसलिए जीव जो है जिसकी उत्पत्ति नहीं संभव है, जीव नाम की वस्तु है। के ते बादिन जैन एवं इष्यते तत्र अहम्। इस प्रकार बोलने वाले कौन है जो इस प्रकार बोलते हैं, अरे कुछ सतवादी है कुछ असतवादी है। इसलिए बोलते के ते वादी न, इस प्रकार बोलने वाले कौन है, जही जिन लोगों के द्वारा एवं इष्यते मतलब अमृतमय धर्म को आला वस्तु को मरणशील बना देना, कौन है इस प्रकार बोलने वाला। तत्र इसके उत्तर में कहते हैं सद असतवादी न सर्वे अपी, सत से उत्पत्ति मानने वाला चाहे असत से उत्पत्ति मान, सभी वादी का यही उत्पत्ति होना संभव नहीं, यही कहना चाहते हैं। अवशिष्टानि श्लोक अक्षराणि व्याख्यातत्वात्, यहाँ पे श्लोक में आए हुए जो भी शब्द है ना वो तो पहले हमने व्याख्या कर दिया, कहाँ 3:20 में, ठीक है ना। इसलिए बोलता है अवशिष्टानि श्लोक अक्षराणि व्याख्यातत्वात् न पुनर्व्याख्यान सापेक्षानि इति अर्थ। एक बार इसका व्याख्या हो जाने के कारण फिर अन्य दोबारा फिर इसकी व्याख्या की अपेक्षा नहीं रखते, यहाँ पे कोई नया अर्थ नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि अवशिष्टानि श्लोक अक्षराणि व्याख्यातत्वात् न पुनर्व्याख्यान सापेक्षानि, वो फिर व्याख्यान की अपेक्षा नहीं रखते इति आह। इसलिए बोलते हैं पुरस्तात् कृत भाष्य श्लोक है ना, इसके पहले भाष्यकार के द्वारा मतलब भाष्य कृत भाष्य, इसका भाष्य इस श्लोक का भाष्य पहले हम कर चुके हैं 3:20 में ना, पुरस्तात् श्लोक भाष्य कृत मतलब श्लोक का भाष्य पहले कर दिया गया है ये 3:20 में। यही अर्थ है सामान्य रूप से कि जो है जिसका जो धर्म होता है आगे बोलेंगे इसको, उसको आप अचानक प्रतिज्ञा कुछ किया फिर अचानक अपने बदल दिया, ऐसा होना संभव नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो है
आगे के लेकर के सात और आठ दोनों को एक साथ ही यहाँ पे एंट्री करने दिया हुआ है। हम दूसरे ऊपर खा देते हैं। परिणामी ब्रह्मवादी यद अब्रह्मवादी भी भूषणम उच्यते तदपि अनुज्ञातम एव इति मत्वा अहम्। ब्रह्म को परिणामी मानते हैं कुछ लोग, क्योंकि हमारा बोधायन आचार्य आदि कार्य ब्रह्म तक मानते हैं और ब्रह्म को परिणामी मानते हैं। उसमें जो जो ब्रह्म को अपरिणामी मानते हैं स्वाभाविक को दोष दे रहे हैं। एक तो हमारा सत असतवादी हो गया न्याय वैशेषिक और जो हमारा सांख्य योग और वेदांत की एक विषयों में भी कई वेदांत का पूरा नहीं लेते, थोड़ा थोड़ा लेते हैं, वो आपस में उलम्बी भी लोग पीते हैं उसको लेकर के बोलते हैं। परिणामी ब्रह्मवादी जब अब्रह्मवादी भी जो ब्रह्म को नहीं मानने वाले दूषण मुच्चते जो दोष दिया जाता है तदपि अनुज्ञात्म में उसको भी हम अनुमोदन करते हैं। इति मत्ता अर्जुन को मन में रखते हुए अगला श्लोक को बोलते हैं। देखिए ग्यारह नंबर टिप्पणी में परिणामी ब्रह्मवादी कौन मानते हैं? बोधायन आदि ये मते बोधायनाचार्य आदि के मत में ब्रह्म परिणामी मानते हैं। वो भेद 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 अभेद दोनों को पारमार्थिक मानते हैं, भेद अभेद दोनों को पारमार्थिक मानते हैं। व्यवहार दशा में भेद भी सत्य है और जो है आपका ज्ञान के बाद अभेद भी सत्य है, दोनों पारमार्थिक। तो इस पोषण में वो लोग सांख्यवादी है? सांख्यवादी नहीं है, वो अलग बात है। सांख्य तो परिणामवादी है, सांख्य तो प्रकृति का परिणाम मानते हैं, वो ब्रह्म का परिणाम मानते हैं। वो तो सांख्य ब्रह्म सांख्य दर्शन में ब्रह्म शब्द नहीं है, प्रकृति और पुरुष शब्द है, ठीक है ना। आप ब्रह्म ये ब्रह्म को मानते हैं और ब्रह्म को मानकर के परिणाम मानते हैं, विवर्तन नहीं मानते ना, विवर्तन नहीं मानते, परिणाम मानते। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि वो परिणाम परिणामी ब्रह्मवादी। देखिए ना ये ब्रह्म परिणामी वस्तु है, इस प्रकार जो सिद्धांत है इस बार में तथा अब्रह्मवादी भी जो ब्रह्म को नहीं मानते हैं अथवा जो ब्रह्म अपरिणामी मानते हैं उसके द्वारा जो दोष दिया जाते हैं तथा भी अनुज्ञातम उसको भी हम लोग अनुमोदन करते हैं। इति मत्ता इसको मन में रख करके कहते हैं न भवति। अब श्लोक में आ जाइए। न भवत्यमृतमर्त्यम न भवत्यमृतमर्त्यम न मर्त्यम अमृतम तथा न मर्त्यम अमृतम तथा प्रकृतेरन्यथा भावो प्रकृतेरन्यथा भावो न कथञ्चित् भविष्यति न कथञ्चित् भविष्यति न भवत्यमृतमर्त्यम नमत्यमृतम तथा प्रकृतेरन्यथा भावो न कथञ्चित् भविष्यति। अमृतम मर्त्यम न भवति, ठीक है ना। जो अमरण धर्म वाला है वो फिर मरणशील नहीं हो सकता। अमृतम मर्त्यम न भवति और न मर्त्यम अमृतम तथा तथा मतलब न भवति, तथा से भवति का अनुवाद है। उसी प्रकार से मरणशील वस्तु भी अमरण नहीं हो सकता। जिस प्रकार अमरणशील वस्तु मरणशील नहीं हो सकता इसी प्रकार अमरणशील वस्तु भी मरणशील नहीं हो सकता। न भवति अमृतम मर्त्यम मतलब अमृतम मर्त्यम न भवति तथा मर्त्यम अपि अमृतम न भवति। इसी प्रकार जो है इसका जो स्वभाव है कि देखो सदृशम चेष्टते सस्य प्रकृति यानी अपने प्रकृति की हम सब चेष्टा करते हैं उसको जो है बदला नहीं जा सकता, उसको एक बताए उल्टा नहीं कर सकते आप। इसलिए बोलते हैं क्यों, क्योंकि प्रकृतिर अन्यथा भाव न कथनचित भविष्यति। प्रकृतिर अन्यथा भाव कथनचित न भविष्यति, जिसका जो प्रकृति है उसका विपरीत हो जाना ये किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। जिस प्रकार मान लीजिए हमारे यही शरीर में अनेक जन्मांतरीय संस्कार है, अनेक शरीर 84 लाख जन्म को घूमा तो चित्त घूमने शरीर का संस्कार है पता ही नहीं लगता। परंतु जिस समय अपने कर्मों के सुपाक अथवा विपाक के फलस्वरूप जैसे शरीर उत्पन्न होता है, चाहे देव शरीर हो चाहे पशु शरीर हो चाहे नारकीय शरीर हो, आप क्या होता है तत्जनित संस्कार वहाँ से उद्भूत हो जाता है। आप जब तक वो शरीर रहेगा उस संस्कार का बदल नहीं सकते। सदृशम चेष्टते सस्य प्रकृति ज्ञानवान है ना। इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीता में बोलते हैं इसी प्रकार से जो है जैसा ये प्रकृति का हिंड बन गया उसको तुरंत वहाँ पे हाँ अब जो है यदि शरीर बदल जाता है। मान लीजिए कि गाय किसी प्रकार से गाय का शरीर मिला हुआ था तो गाय जनित संस्कार रहेगा। अब यदि गाय शरीर छूटने के बाद सूक्ष्म शरीर वही है कर्म तो सुपाक के फल स्वरूप मनुष्य शरीर मिल गया तो मनुष्य शरीर संबंधित संस्कार उद्भूत हो जाए। इसके लिए गाय शरीर का संस्कार भी रह जाएगा,
गाय शरीर का संस्कार नहीं रहेगा, गाय जो नहीं, जब व्यवहार है तब व्यवहार जन संस्कार तो रहेगा, फिर कभी कर्म का विपक्ष से यदि वहाँ पे गाय शरीर प्राप्त होगा तो उल्टी तो क्या आएगा वो। और ये बताओ इस विषय में मदद करने वाला कौन है? ये सूक्ष्म शरीर जो है हमेशा ध्यान रखते, स्थूल शरीर बदलता रहता है, सूक्ष्म शरीर वही रहता है। सूक्ष्म शरीर में दुनिया भर के संस्कार चित्त भूमि में बैठा हुआ है। अब अगला शरीर जो प्राप्त करेंगे उसमें जो संस्कार उद्भूत होगा वो यहाँ से भूत सूक्ष्म वहन करके ले जाता है। और पंचीकृत पंच महाभूत के अथवा कही गया था पंचीकृत पंच महाभूत के वो सूक्ष्म अंश, वो सूक्ष्म अंश, और क्योंकि सूक्ष्म शरीर हमेशा मतलब ये तन्मात्र से बना हुआ है, वो भूत के द्वारा घेरा हुआ होता है, नहीं तो प्रोटेक्टेड नहीं रहता है। जिस प्रकार इस समय भी सूक्ष्म शरीर स्थूल भूत के द्वारा घेरा हुआ है, तभी जाके व्यवहार कर पाता है। और जब कालांत मतलब लोकांतर में जाते हैं, देशांतर में और शरीरांतर प्राप्त करने के लिए अब जाते हैं, तब वो सूक्ष्म शरीर क्या होता है? भूत सूक्ष्म के द्वारा परिवेष्टित होता है। वो भूत सूक्ष्म क्या है? अगला शरीर में हमारा कौन सा संस्कार उद्भूत होगा उस संस्कार को कैरी करने के लिए। पंच महाभूत हर जगह उपलब्ध है, उसको आवश्यकता नहीं है, परंतु मुझको जो शरीर मिलेगा उस शरीर में जो संस्कार उद्भूत होगा उस संस्कार को उद्भूत करने के लिए जो उसको कैरी करते हैं वो भूत सूक्ष्म, भूत सूक्ष्म बोलते हैं उसको। कठोर परिषद उसका शुरू हुआ था, है ना, ये है ये वहाँ से शुरू हुआ था। इसीलिए यहाँ पे भूत सूक्ष्म के द्वारा ये पंच मतलब तन्मात्र हमेशा पंचभूत से घेरे हुए होते हैं, इनको सूक्ष्म शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे वो जो इसीलिए अगर शरीर में कितना भी संस्कार रह जाए वो संस्कार जो है क्या होता है कि जिस समय जो शरीर मतलब क्या होता है अनेक संचित कर्म है, अनेक संचित कर्म में से जो संचित कर्म फल देने बलवान हो गया उसके अनुसार भगवान हमारा अगला शरीर प्राप्त होना है। मृत्यु काल में यदि पशु शरीर होगा तो अगला मृत्यु पशु शरीर प्राप्त करने के लिए वो पशु संबंधित वृत्ति अथवा जो पर्व पूर्व में किया था पूर्व किया था वो वृत्ति इस व्यक्ति के मन में लाने के काम जो है ये जो क्षम वहन करते भगवान उस प्रकार के वृत्ति मन में उठाएंगे। और उठा करके किस दरवाजा से निकलने से वो शरीर प्राप्त होगा वो दरवाजा के मुख प्रद्युत हो जाता है, वो दिखाई पड़ता है, उनको दिखाई पड़ता है, उसके माध्यम से जाते हैं। और बाकी अन्य सारा प्रकृति उस समय दबा रहेगा, बाकी जिस जिस शरीर को प्राप्त कर रहा है उस शरीर में उद्भूत होने वाले संस्कार उसके बाद उद्भूत हो जाएगा। इसीलिए हमें बोलते हैं जिसको आपने एक बार मरणशील मान लिया फिर वो अमरण नहीं हो सकता, यदि मरण अमरण धर्म वाला है तो फिर मरणशील नहीं हो सकता है क्योंकि इससे परे है। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे जो न भवति अमृतम मर्तम न मर्तम अमृतम तथा प्रकृति अन्यथा भाव, है ना, प्रकृति की जो विपरीत धारणा कथनचित भविष्य किसी प्रकार से होना संभव नहीं है। दो नंबर मतलब प्रकृति मतलब स्वभाव, है ना, हैबिट इज द सेकंड नेचर बोलते हैं कि जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे वो आपका नेचर हो जाएगा स्वभाव। इसलिए बोलते हैं प्रकृति मतलब स्वभाव, अन्यथा भाव मतलब स्वरूप प्रच्युति, जिसका उससे जो हट जाना उस भिन्न हो जाना ये कभी होना संभव नहीं है, ये कभी होना संभव नहीं है। इसीलिए प्रकृति अन्यथा भाव स्वभाव से स्वरूप प्रच्युति, स्वभाव को अपने स्वरूप से प्रच्युत हो जाए ये होना संभव नहीं होता है। इसलिए प्रकृति का किसी भी अवस्था से होना संभव नहीं है। और इसी को देखिए दूसरा श्लोक में यही बोलते हैं, इसीलिए सात और आठ का एक साथ आ रहे हैं ना, इसीलिए 22 तो मतलब पिछले का 3 का 22 है, इसका तो आ रहा है। स्वभावेनामृतो यस्य धर्म गच्छति मर्त्यताम्, धर्म गच्छति मर्त्यताम्, स्वभावेनामृतो यस्य धर्म गच्छति मर्त्यताम्, कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः। क्या सुंदर युक्ति यहाँ पे आपने पहले प्रतिज्ञा किया कि वो अमरण धर्म वाला है, फिर आपने क्या जन्म से रहित है, फिर उसको पैदा करवाया, पैदा करा करके आपने फिर क्या किया साधन के द्वारा ब्रह्म भाव को प्राप्त करके वो उसी का अमर हो जाएगा। क्या करेगा?
साधन के द्वारा ब्रह्म भाव को पार करके वो अमृतमय भाव में हमेशा विद्यमान रहेगा, ये उनका सिद्धांत है बोधायनाचार्य। वेदावेद वाले दोनों सत्य मानते हैं, व्यवहार काल में भेद सत्य मानते हैं, ज्ञान मतलब ज्ञान में तो उपासना के माध्यम से ब्रह्म भाव को प्राप्त करके वो अमृतमय हो जाएगा, फिर ज्ञान बन जाएगा। भेदाभेद तो यहाँ पे जो है तो बोल रहे हैं स्वभावेन अमृत जस धर्म, जिसका धर्म क्या है स्वभाव से जो है अमृतमय है, फिर क्या होता है मर्तताम गच्छति, वो मरणशीलता को प्राप्त करते हैं। यदि ऐसा ही है तो अमर से मरण हो गया, अब फिर मरण अमर मरण धर्म वाला साधन करके अमर हो जाएगा और नित्य अमर रहेगा, ये कैसे हो सकता है। इसलिए कृतक है ना अमृत से, कृतक से मतलब कर्म साध अमृतत्व कैसे स्थिर हो सकता है, कर्म शब्द अमृतत्व कैसे स्थिर हो सकता है, वो भी तो परिवर्तन इसलिए बोलता है कृता के न अमृत कथम स्थाश्यति निश्चल, निश्चल होकर के कैसे स्थिर रह सकता है, वो तो कृता के अनित्य है व्यभिचारी है, ये नहीं हो सकता है। इसलिए सिद्धांतों को बनाते समय आगे भी बहुत समझना चाहिए। आप बोलते हैं कि पहले वो अमरण धर्म था, बाद में पारमार्थिक मरण धर्म वाला हो गया, फिर साधन करके फिर अमरण धर्म को प्राप्त करेगा और नित्य अमर रहेगा, नित्य अमर नहीं, ये कैसे हो सकता है। वेदांती भी यही बोलते हैं, वेदांती क्या बोलता है तुम कल्पना से जन्म को माना, तुम्हारे अमरणत्व तुम्हारे अमृतत्व पहले भी था अभी भी है आगे भी रहेगा, तुमको समझ में नहीं आ रहा है इसलिए तुम अपने को मरणशील मान लिया, बस शास्त्रवादी पर के समझ का फिर तुम्हारा अमरण धर्म अमर ही रहे ना, उसमें कुछ विघटन कभी हुआ ही नहीं, विघटन कभी हुआ ही नहीं। इस प्रकार मैं कई बार बोला आकाश को हमको बचपन से हमको दिखाई दे रहा है नीला और कटह का आकाश को, अभी वो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। पहले हम नहीं जानते थे वही सच मानते थे, अभी हम उसको सच नहीं मानते हैं, अभी हम जानते हैं कि आकाश ना नीला है ना कटाकर कल प्रकृति मात्र है, आकाश का क्या फर्क है, क्या आकाश नीला कभी हो गया था क्या आकाश कटाकर हो गया था, कभी नहीं, वो पहले भी जैसा था अभी भी वैसा ही है, वहाँ भी परिवर्तन है, हमें वेदांत ये मानते हैं। वेदांत यही कहते हैं कि जो अमरण है वो अमरण धर्म वाला है, बुद्धि में थोड़ा सा कमी के कारण समझ नहीं पा रहे, तो अब समझ में आ गया, तो आप पहले भी अमरण धर्म थे अभी भी अमरण धर्म है और आगे भी यही रहेंगे। इसीलिए हर जगह में महाभंग में देखना लठ लकार प्रयोग किया, लठ लकार वर्तमान, ये नहीं तुम हो जाओगे तत्तमसि अहम ब्रह्मास्मि अहम आत्मा ब्रह्म, ये सब जगह पे लठ लकार मतलब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिटनेस का प्रयोग, इसी समय तुम ब्रह्म हो, है ना। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि आगे ऐसा जो मानने वाले है तो वो फिर अमरण धर्म को प्राप्त करेगा, वो नित्य कैसे हो सकेगा। तो महाराज एक प्रश्न, सात नंबर श्लोक का सेकंड लाइन जो है सात नंबर, हाँ प्रकृति अनन्यता भावो न कथं कथंचित भविष्यति, भविष्य अगर उनका नेचर ऐसी है प्रकृति, तो इतना पाठ कर रहा है इतना भक्ति कर रहा है तो न कथंचित भविष्यति, हाँ उसका क्या इफेक्ट होगा। ये देखिए ये कहाँ पे है, ये जहाँ पे आप बोल रहे हैं आपने भी आपके मन परिवर्तन कहाँ पे हो रहा है, मन में हो रहा है, और जिस वस्तु का जो स्वभाव है परिवर्तन ही मन का स्वभाव है, इसलिए वहां पे परिवर्तन होगा, और आत्मा परिवर्तनीय स्वभाव नहीं है इसीलिए वहां परिवर्तन नहीं होगा, बस इतना भिन्नता है। शरीर का परिवर्तन स्वभाव है इसीलिए यहाँ जन्म मृत्यु होगा, इसको हम निषेध नहीं करते, आत्मा में परिवर्तन होना संभव नहीं है, जन्म होना संभव नहीं, इसलिए हम संभव है, हमेशा मुक्त है, बंधन आत्मा में कभी आया ही नहीं। ये दोनों वस्तु को ठीक से देखने सीखिए तब स्पष्ट हो। आप बोलते हैं प्रकृति अन्यथा भाव न कथन चित भविष्य, जिसका जो स्वभाव है वो परिवर्तन है, बिल्कुल सही, इसका स्वभाव है आप मन का स्वभाव ही है परिवर्तन, कितना है इसीलिए उसका वहाँ परिवर्तन होगा, आत्मा का स्वभाव परिवर्तन नहीं है इसलिए वहाँ परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए आप बोलते हैं कि स्वभावेन अमृतम दस्य धर्म गच्छति मर्तताम, मतलब स्वभाव से अमरण धर्म होते हुए भी आप उसको मरणशील मान लिया, फिर क्या किया कृतक है मतलब साधन के द्वारा उपासना के द्वारा ज्ञान कर्म समुच्चय से वो मुक्ति मानते हैं, ज्ञान कर्म समुच्चय के द्वारा आप फिर जब ब्रह्म भाव को प्राप्त करके अमृत हो जाएगी, और वो जब ज्ञान कर्म साध होगा तो नित्य कैसे हो सकता है, वो भी तो नित्य होगा, वो नित्य नहीं हो सकता, इसलिए बोलते हैं कृता के न अमृत तस्य कथम स्थास्यति निश्चल, फिर स्थिर कैसे रह सकता है, निश्चल कैसे रह सकता है। इस श्लोक अर्थ हो गया, पहले भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करके आए थे, टीकाकार देखिए क्या बोलते हैं, छः नंबर हमने पढ़ लिया, नहीं छः नंबर पढ़ लिया था ना, सात नंबर था परिणामी ब्रह्मवाद या अब्रह्मवादी फिर दूषण उच्चते तदपि अनुज्ञातमेव इति मत्ता न भवति,
अमृतम ही ब्रह्म। देखिए क्या है सिद्धांत, अमृतम ही ब्रह्म न तद्रूपे स्थिते मत्तम भवितुम अर्हति स्थित रूप विरोधा। बोलते ब्रह्म के प्रारंभिक स्वरूप क्या है, अमृत ही ब्रह्म, ब्रह्म जो है मरण धर्म से नहीं थे। तद्रूपे न स्थिते, वो उस रूप में नहीं रह करके मत्तम भवितुम अर्हति, फिर मरणशील हो जाता है। स्थित रूप विरोध क्या हो जाएगा, आपका स्थिर रूप जो आपने माना उस सिद्धांत का विरोध हो जाएगा, विरोध हो जाने का ये नहीं हो सकता है। न तद्रूपे स्थिते मत्तम भवितुम, उस रूप में मतलब अमरण धर्म में रह करके फिर मरणशील हो जाए, ये होना संभव नहीं है कि विरोध है, कि विरोध है। कोयला देखने में काला है, वो अपना किसी भी अवस्था में उस काला भाग को रख करके फिर सफेद हो जाए, दोनों हिंसा नहीं हो सकता। यदि सफेद होता है तो जल करके राख होकर के सफेद होता है, है कि नहीं। तो इसी प्रकार यहाँ से जिसका जो धर्म है, इसलिए अमृतम ही ब्रह्म न तद्रूपे स्थिति न बालक, उस ब्रह्म भाव में रह करके मर्त भवितुम न हरति, वो फिर मरणशील हो जाए ऐसा न संभव में है कि स्थित रूप विरोधा। उसका स्थिर रूप क्या है, अमरणता, उसके साथ विरोध हो जाएगा तो स्थिर रूप नहीं बोल सकते, उसका स्थिर रूप बोलना पड़ेगा, ये सिद्धांत के विरोध हो जाएगा। 12 नंबर 13 नंबर टिप्पणी में देखिए क्या बोलते हैं, अब्रह्मवादिभिः उक्तम स्व अनुमतम दूषणम अनेन उद्घाटते। अब्रह्मवादिभिः उक्तम, अब्रह्म ब्रह्म को नहीं मानने वाला ब्रह्म को मानते और अभिलाषा मानते, अब्रह्मवादिभिः उक्तम स्व अनुमतम, जिसको हम लोग भी मानते हैं, माने ये जो अब्रह्मवादी ब्रह्मवादी को बोलते हैं, ये इसका इस सिद्धांत को हम अनुमोदन करते हैं। अब्रह्मवादी ब्रह्म को नहीं मानने वाला, शंखवादी आदि जो ब्रह्मवादी को मानने वाला है, उन लोगों को ये दोष देते हैं, तुम ब्रह्म को अमृतमय मानते हो और फिर कहते हो ब्रह्म मरणशील हो जाता है, जीव रूप में आ जाते हैं, मरणशील हो जाते, ये होना संभव नहीं है क्योंकि वो विरोध हो जाएगा, अपने धर्मों में रह करके विरुद्ध धर्म हो जाए। हम कैसे मानते हैं, पारमार्थिक अमृत रह करके उपाधिक मरण हो गया, आत्मा पारमार्थिक अमरण धर्म रह करके शरीर उपाधि के साथ वो मरणशील जन्म मरने वाला लगता है, प्रतीति होती है, इसलिए उपाधि में है वो क्रिया आत्मा में नहीं है, उपाधि के साथ मिल करके जगत कुसुम अपने में हमेशा सच्चे रहते हुए भी, हमेशा वो एक शिष्य यहाँ पे रख तो हमेशा सच्चे रहते हुए लाल जैसा दिखाई पड़ते हैं, उसमें लालिमा कभी नहीं आती। ठीक इसी प्रकार आत्मा हमेशा पूर्ण सच रहते हुए भी उपाधि के साथ निरुपाधि का अध्यास है, इस प्रकार से क्या होता है वो अध्यास हो जाता है जन्म मृत्यु का। इसलिए बोलते हैं अमृतम ही ब्रह्म न तद्रूपे स्थिते मर्तम भवितुम अर्हति। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे अब्रह्मवादी भी उक्तम स्व अनुमतम, इसको हम लोग भूषणम अने उसके उसके पक्ष में क्या दोष है, उसको इस बात को द्वारा उद्घाटित किया जा रहा, खोला जा रहा है, अमृतम ही इत्यादि तद्रूपे मतलब अमृत रूपे स्थित है, तद्रूपे स्थिति अमृत रूप में रह करके फिर मरणशील हो जाए, कैसे विरुद्ध मत बेघात दोष है, कैसे बोल सकते हो, ऐसा मान्यता है। इस प्रकार बोलते ये होने संभव नहीं है। अच्छा न च मर्तम, आप देखिए दुष्ट का ये पहला ये हो गया कि अमरण धर्म को मान करके फिर मरण धर्म को बोलना जो संभव नहीं है। न च मर्तम कार्य स्वरूप स्थित प्रलय अवस्थाया अमृतम ब्रह्म संपद, देखिए तो दूसरी बात क्या होता है कि आपने पारमार्थिक मरणशील अवस्था में आकर के फिर जो क्या हो जाएगा, ज्ञान के द्वारा ज्ञान कर्म समुच्चय के द्वारा ब्रह्म भक्त को प्राप्त करेंगे, अथवा प्रलय काल में ब्रह्म भक्त को प्राप्त करेंगे और स्थिर रहेंगे फिर ब्रह्म हमें। इसलिए बोलते हैं न च मर्तम कार्य स्वरूप स्थिति, वो मरणशील जीव मरणशीलता क्या हो गया, जीव भाव में कार्य स्वरूप मतलब जीव भाव में रह करके प्रलय अवस्था या प्रलय काल में अमृत ब्रह्म अमृतमय ब्रह्म भक्त को प्राप्त कर जाएगा, ये होना संभव। मतलब जीव भाव में रह करके ब्रह्म भाव को संपादन करेगा तो ब्रह्म भाव में रह करके जीव हो जाएगा, दोनों ही संभव नहीं है, है ना। व्यापकता की जो पूर्ण तो आपको तो आपके यहाँ पर दिखाई, आप भी तो बोलते हैं बता कि तो ब्रह्म में नहीं बोलते हैं हम, जीव शरीर में बोलते हैं, ये जगह को है ना व्याधिकरण उनको समझ में नहीं आ रहा है। मास्टर का ऋषि को स्पष्ट दिखाया कि व्याधिकरण को देखना सीखो, कहाँ पे कौन सा क्रिया हो रहा है वो देखना सीखो। जन्म मृत्यु शरीर के धर्म है, सुख दुख मन के धर्म है, भूख प्यास प्राण के धर्म है, सब हम आत्मा में आरोप करते हैं, मैं पैदा हुआ मैं मरूंगा, मैं सुखी मैं दुखी मैं भूखी मैं प्यासी, है ना। इस प्रकार से आत्मा के ऊपर आरोप करके हम बोलते हैं, परंतु वास्तविक आत्मा का धर्म का नहीं, उपाधि का धर्म है। न च मर्तम कार्य स्वरूप स्थिति प्रलय अवस्थाया अमृतम ब्रह्म संपद्यति, होना संभव नहीं है। नष्टे अपि स्वरूपे तस्य एव मलगे, यदि उसका स्वरूप नष्ट हो जाएगा, स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा तब अन्न हो जाएगा, तो वस्तु जब स्वरूप ही नष्ट हो गया तो वस्तु ही रहा नहीं,
तब उसका जब मिल पे क्या फर्क पड़ेगा, वस्तु ही नहीं रहा। आपने कोयला को जला करके राख बना के सफेद कर दिया, अब कोयला सफेद हो गया, बोल सकते हैं आप कि नहीं? वो राख सफेद है और वो रह नहीं, कोयला रह नहीं गया। इसीलिए बोलते हैं कि नष्टे अपनी स्वरूपे, स्वरूप नष्ट हो जाने पर तस्य अभाव, आप क्या बोलेंगे, आप उसका स्वरूप नष्ट होगा तो दुष्ट भाव। तो व्यक्ति यही तो क्षणिक विज्ञानवादी का सिद्धांत यही समझेगा, उनके सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक क्षण में आत्मा उत्पत्ति होता है, नाश होता है। आप बताओ जिस आत्मा को बंधन अनुभव हो रहा था मुक्ति उस आत्मा को होगा कि नहीं होगा? वो तो नाश हो गया उस समय। तो जन्म बंध मुक्ति को अनुभव करने वाला एक ही व्यक्ति होना चाहिए, तो क्षणिक विज्ञान बाद में होना संभव ही नहीं होगा। इसके बाद में भी ऐसे सिद्धांत है, वो रहना चाहोगे। इसीलिए बोलते हैं नष्टे अपनी स्वरूपे तस्य भव, यदि वो नष्ट हो गया, स्वरूप तो ही नष्ट हो गया, उस व्यक्ति नहीं रहेगा। अभाव न अन्यथा, इसी में भिन्नता हो गया, आप नहीं कह सकते हो। तो उस व्यक्ति उसका ही स्वरूप भिन्न हो गया, ऐसा आप नहीं कह सकते हो, है ना? क्या बताओ कितना बार एक कुत्ता को कितना बार गंगा जी में नहाने पर गाय हो जाएगा? वो अगले मर के अगला शरीर लेकर के हो सकता है, परंतु कितना भी डुबकी लगाए घाटी तक तो शब्द नहीं है, वो अन्यथा नहीं हो सकता है। इसलिए नष्ट अपने स्वरूप स्वरूप भी नष्ट हो जाने पर न अन्यथा तम, इसलिए वहाँ पे फिर जाए वही वस्तु भिन्न भाव को प्राप्त करे, ये नहीं इति अभिप्रेत तो आओ। इसी को मन में रखते हुए बोलते हैं प्रकृति अन्यथा भाव न कथनचित भविष्यति, है ना? जिसका जो स्वभाव है उसको भिन्न हो जाए, ये भी किसी भी अवस्था में संभव नहीं है, किसी भी अवस्था में संभव नहीं है। 14 नंबर बोलते हैं तस्यैव कार्यस्यैव, कार्य नाश होकर के फिर कारण अवस्था में आ जाता है, ऐसा कारण अवस्था में फिर अमृत हो जाता है। नहीं, वो कारण भी तो वैसे ही होगा, परिवर्तित परिणामी होगा, विकारी होगा। ये हो गया किंच दस्य परिणाम वादिन स्वभावेन अमृतम सन परमात्म आख धर्म शब्दित भाव मर्तताम कार्य भावापत्य गच्छति तस्य कृतकेन समुच्चय अनुष्ठानेन अमृतो जातो मुक्तो वक्तव्य। उनके सिद्धांत में और क्या दोष होगा बोल रहे हैं, किंच मोरभर और भी देखो, जस्य परिणामवादी ने परिणामवादी मानने वाले, परिणाम मानने वाले परिणामवादी ने, है ना, स्वभावेन अमृतम सम, स्वभाव से पहले क्या था वो अमृत था ब्रह्म, स्वभावेन अमृत सन परमात्मा का धर्म, जिसको परमात्मा बोला जाता है, परमात्मा आख धर्म नाम से जिस धर्म जीव को कहा जाता है, धर्म शब्दित भाव मर्तताम मतलब मरणशीलता, कार्य भावापत्ता मर्तताम कार्य भावापत्ता गच्छति, वो मरणशीलता कार्य भाव को प्राप्त करके प्राप्त करता है, कार्य भाव में आकर के मरणशीलता को प्राप्त करता है वो जीव। वो धर्म क्या होता है, धर्म शब्द के द्वारा जिस भाव वस्तु को कहा गया है वो भाव नवीन सिंगुलर, मर्तताम मतलब कार्य भावापत्या मरणशीलता मतलब कार्य भाव को प्राप्त करके गच्छति मतलब प्राप्त होता है, ठीक है। अमर्तता कार्य भावापत्य गच्छति, दो नंबर टिप्पणी कार्य भावापत्य कार्य आकार परमर्थ जाता है, देखिए जन्म उसका सृष्टि पारमार्थिक है, कार्य रूप में पारमार्थिक रूप में उत्पन्न होकर के फिर मरणशीलता को पारमार्थिक प्राप्त किया और फिर साधन के द्वारा फिर पारमार्थिक अवरोध धर्म भी हो गया, वो साधन के द्वारा होगा, ये कैसे हो सकता है? न्याय क्या है, जो कृति शब्द होता है वो अनिष्ट होता है। इसीलिए आप बोलते हैं किंच दस्य परिणामवादिन, जिस परिणामवादी का स्वभावेन अमृतम सन बाइस वेरी नेचर वो अमृत में इमोर्टल होते हुए भी परमात्म आख धर्म शब्द तो भाव परमात्मा नामक धर्म शब्द के द्वारा जिस भाव वस्तु को कहा गया वो भाव वस्तु वर्तताम मतलब कार्य भाव अपत्य कार्य भाव को प्राप्त करते कार्य आकार परमर्थ जाता कार्य रूप में पारमर्थिक उत्पन्न होकर के वो मरणशीलता को प्राप्त करते हैं। तस् उस वादी का कृतकेन असाधन मतलब कृत शब्द क्या साधन है, समुच्चय अनुष्ठान ज्ञान कर्म के समुच्चय के द्वारा अमृत लग जाए तो फिर अमृत मुक्त भाव को प्राप्त करके मुक्त हो जाएगा। कैसे हो सकता है वक्तव्य मरणशील अमरण कैसे हो सकता है मुक्त वक्तव्य, उसके ही बोलना पड़ेगा। तब तीन नंबर टिप्पणी में समुच्चय इत्यादि कर्म उपासन और समुच्चय अनुष्ठान उस वादी को बोलते हैं अत्यंत का ज्ञान कर्म समुच्चय से मुक्ति मानते हैं, ठीक है ना? इस प्रकार उनका अब कैसे हो सकता है, एक बात तो है अमरण धर्म इमॉर्टल को आपने मॉर्टल बना दिया, कैसे
पारमार्थिक परिणत होकर के जन्म लेकर के और फिर साधन के तरह जन्म का मतलब ज्ञान कर्म समुचार साधन के तरह फिर मॉडल क्या हो जाएगा, पारमार्थिक इमॉडल हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? सिद्धांत सभी भाग्यों का सिद्धांतों की विरोध हो जाता है। श्रीवत्ता समुच्चय न इत्यादि समुच्चय इत्यादि कर्म कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान है ना इति स च कथम निश्चल स्थातुं पारयति। इस प्रकार जो अमरण मतलब इमोर्टैलिटी वो कैसे स्थिर हो सकता है, कृतिशब्द वस्तु कैसे इमोर्टल हो सकता है, इसलिए बोलते हैं स च अमर अमर अमृत धर्म स च अमृत धर्म कथम निश्चल स्थातुं, निश्चल रूप में स्थिर कैसे हो सकता है। निश्चल रूप से स्थिर नहीं हो सकता, वो भी परिणाम परिणत होता ही रहेगा। चार नंबर टिप्पणी होता है निश्चल मतलब अमृत स्वभाव होता है या अचल, अमृत रूप हो करके स्थिर रह जाना, नित्य रह जाना। कृतिशब्द वस्तु अमृत होकर के स्थिर रहने कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। इसीलिए इस आपका सिद्धांत जो है मुख्य रूप से पारंपरिक मतलब सामान्य जो न्याय है उस न्याय को भी व्यभिचार करना है। यत् कृतकम् तत् अनित्यम् सच कथम निश्चयम्, यत् कृतकम् तत् अनित्यम् इति न्याय विरोधात् इति आह, है ना। जो सामान्य न्याय है जो कृतिशब्द वस्तु होता है वो अनित्य होगा, कृति शब्द वस्तु अनित्य होगा। इसलिए बार बार हम बोलते हैं बहुत सावधान, ये पठन पाठन रूपी साधन से वो ज्ञान उत्पन्न होने वाला नहीं है, मदद करने वाला है। सब ज्ञान जो होता है वो अभी भी विद्यमान है, जिस समय मुझे समझ में नहीं उस समय भी विद्यमान है, केवल समझ स्पष्ट हो जाएगी, इतना ही मात्र है। इसलिए यद कृतकम तद अनित्यम इति न्याय विरोधात् पाँच नंबर टिप्पणी जीवस्य ब्रह्म परिणाम तथा जीव यदि ब्रह्म का परिणाम होगा, जीव ब्रह्म ही बना, जीव ब्रह्म स्वरूप ही है, जीव जो है मतलब ब्रह्म से भिन्न वस्तु नहीं है। इसलिए जीवस्य ब्रह्म परिणाम तया कृतकत्वम्, जीव यदि ब्रह्म रूप में परिणत हो जाता है तब तो कृति शब्द हो जाएगा, और कृति शब्द होने के कारण वो नित्य नहीं हो सकता। ये अभिप्राय है यहाँ पे, जीव ब्रह्म ही बना पर इस विवर्त जीव ब्रह्म ही बना, ये तो हमारे प्रतिज्ञा वाक्य है। मतलब ये है श्लोकार्धेन प्रवक्षामि यत् उक्तं ग्रंथ कोटि, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीव ब्रह्म ही बना, बता दूंगा जो कई कोटि ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया क्या ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या सत्यम ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म ही बना रहा है ना, जीव ब्रह्म ही है। इस प्रकार आप जो है कहीं पाई बड़ा समाज पर एक साथ लिखा हुआ है, अगर अलग कर निकालेंगे तो ब्रह्म न्यूटन ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म एक साथ कर देंगे तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या की बात हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसलिए बोलते हैं कि जीवस्य ब्रह्म परिणाम तया कृतकत्वम, जीव ब्रह्म का परिणाम भी होगा वो कृतत्व हो गया, कृतत्व होने के कारण वो नित्य नहीं हो सकता। जब कृतकम इति न्याय विरोधात् स्वभावेन, अब जो है इसको लेकर के उसी का प्रत्येक स्वभावेन अमृतम जस्य धर्म गच्छति मर्त्यतम, मतलब बाई इट्स वेरी नेचर ये इमोर्टल होते हुए भी परिणाम होकर के मरणशील हो जाता, मॉर्टल हो जाता है, फिर साधन के तरह फिर इमोर्टल हो जाते हैं। अरे ये कैसे सिद्धांत हो सकता है? ये सिद्धांत श्रुति अपने आप बोलते हैं नास्ति अकृतकृतेन नहीं अध्रुवे प्रति ही ध्रुवम तक, दोनों अलग अलग उपनिषद में ऐसा। अब बोलेंगे यहाँ पे कि ये तो आपने पहले भी बोल कर कहा, तो यहाँ पे दोबारा क्यों बोलते हैं? पुनरुक्ति आशंक्य प्रत्यादिशति, यहाँ पे तो पुनरुक्ति होगा, पहले श्लोक बोल कर यहाँ पे बोल उसको उत्तर में बोल दिया प्रत्यादिश को बोलते हैं उक्तार्थानाम श्लोकानाम, जिस श्लोक को पहले कहा गया उसका अर्थ भी कहा गया, यह उपन्यास यहाँ पे दोबारा कहना परवादी पक्षनाम, पर्ववादी का अलग अलग वादियों के पक्ष में अलग अलग सिद्धांत है, विरोधी सिद्धांत पर्ववादी पक्षानाम अनन्य विरोध ख्यापित, आपस में जो विरोध है उसके द्वारा जो ख्यापित होता है उसके द्वारा जो निष्कर्ष निकालता है वो क्या है कि अनुपत्ति उनके द्वारा ख्यापित जो अनुपत्ति मतलब सृष्टि होना संभव नहीं है, सृष्टि में अयुक्ति युक्तिहीनता सृष्टि की युक्तिहीनता, उसी को हम यहाँ पे अनुमोदन करने के लिए इस श्लोक को दिखाते हैं। एक बार ये कहते हैं सत अथवा सत से उत्पत्ति होना संभव नहीं है, एक बार ये कहते हैं असत अथवा असत से उत्पत्ति होना संभव नहीं है, अगर विरोधी हम इसको केवल अनुमोदन करते हैं क्या, ये दोनों बातें जो बोलते हैं सृष्टि होना संभव नहीं है इतना हिस्सा को ग्रहण करवाने के लिए हमने यहाँ पे दोबारा उस श्लोक को ठीक है दोबारा यहाँ पे बोलेंगे आपने तो बोल दोबारा यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, हम यहाँ पे शिष्य को ये दिखाना चाहते हैं हमारे निग्रह ने दूसरे वादियों किसको लेकर लड़ रहे हैं उसको अच्छी तरह से ध्यान से सुनिए।
और फिर किस जगह पे विवाद नहीं है उसको भी सुनिए, अविवाद भाग को ग्रहण करिए, विवाद भाग को छोड़ दीजिए, है ना। इसीलिए बोलते हैं पहली बोल करके अदिति अनुपपत्ति अनुमोदन प्रदान, वहाँ पर इनको युक्तिहीनता है उसको अनुमोदन करने के लिए इसको दिखा, अनुमोदन को उसको दिखाने के लिए यहाँ पे इस श्लोक को दोबारा कहा गया है, ये इसका तात्पर्य है, ठीक है ना। इसलिए बोलता है उक्ता उक्तार्थानाम श्लोकानाम, इन श्लोक को पहले कहाँ पे कहा गया, 3, 20, 21, यह उपन्यास यहाँ पे दोबारा जो लाया गया है, पर्वादी पक्ष नाम अनन्न विरोध ख्यापित, अन्न पर्वादी के आपस में जो विरोध है उस विरोध के द्वारा ख्यापित होता है, मतलब फलित रूप में जो दिखाई पड़ता है क्या कि जो है सृष्टि की होना संभव नहीं है, अनुपत्ति जो सृष्टि में जो युक्तिहीनता वो जो है अनुमोदन प्रदर्शन, उसको हम अनुमोदन करते हैं इसको दिखाने के लिए इस श्लोक में यहाँ पे दोबारा कहा गया है। बस 7-8 हो गया ना, ठीक है, देखा टिप्पणी नहीं छूटा, देखिए अब जो है एक प्रकृति किसको बोलते हैं, है ना, उसका परिभाषा देंगे कल को करेंगे, है प्रकृति किसको बोलते हैं, है प्रकृति अन्न का भाव न कथनचित भविष्य, ये जो कहा ना इसको कल जो है इसको प्रकृति की इसको ध्यान रखना कि प्रकृति किसको बोलते हैं, कल इसका परिभाषा देंगे आप, ठीक है। आज कौन सा होगा, पहला वाला भाई, अजम अपि योनि योगं प्रापदैश्वर्य योगात् अवर्तिं च गतिमत्तां प्रापदेकं हि अनेकं विविध विषय धर्म प्राहि मुग्धेक्षणानां प्रणत वयमहन्ति ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। Shalom.